फोर्थ ईयर। अभी हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, ठीक है। इसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है, इसमें उसने ये दिया हुआ है इन प्रॉब्लम 21-40 टेस्ट ई सीरीज़ फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। इसमें उसने बताया हुआ नहीं है कि कौन सा टेस्ट लगाना है, आप लोगों ने खुद ही जज करना है कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, और फिर हमने उसके मुताबिक बताना है ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो हम ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज समेशन 1 to ∞ एन स्क्वेयर ई रेज टू पावर एन क्यूब, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसके ऊपर टेस्ट कौन सा लगेगा। बच्चों ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ई रेज टू पावर एन क्यूब, इसका डेरिवेटिव एन क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, -3 n², तो -3 हमारे लिए लगाना कोई मसला नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे। इंटेग्रल टेस्ट के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए होती है, एक तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स, मतलब कि जो चीज़ हमें ए एन दिया होता है, ये समेशन ए होना, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स है, इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेंगे। हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल, जो इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव <0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, नॉन इंक्रीजिंग है। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी और डाइवर्जेंट कब होगी। तो उसके लिए हम समेशन 1 to ∞ ए एन कन्वर्जेस तब होगी, या ये कन्वर्ज तब करेगी व्हेन 1 to ∞ हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को, और उसके ऊपर लिमिट क्या लगा देंगे 1 से लेके ∞ तक। तो वो अगर अगर ये कन्वर्ज कर जाए तो अगर ये कन्वर्ज कर जाए तो सीरीज़ भी हमारे पास कन्वर्ज करेगी, और अगर हमारे पास समेशन 1 to an मतलब समेशन 1 to ∞ an डाइवर्जेस एफ 1 to ∞ एफ ओफ एक्स डी एक्स डाइवर्ज, अगर हमारे पास इस इंटेग्रल का आंसर नहीं आता, इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसका मतलब वो जो सीरीज़ हमें दी हुई है वो डाइवर्ज करेगी। और अगर हमारे पास इस इंटेग्रल का आंसर आ जाता है, कोई सा भी एक आंसर नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब वो जो सीरीज़ हमें दी हुई होगी वो कन्वर्ज करेगी। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम उसको क्या क्या ले लेंगे, इस चीज़ को हम एफ ओफ एक्स ले लेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को क्या ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। फिर हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे ले लेंगे, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो -3 x² ई रेज टू पावर एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर, और फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, और दूसरी चीज़ को ऐसे ही रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में से, और एक एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो एक्स ई रेज टू पावर एक्स क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला मैं पहले लिख रही हूँ, यहाँ पे -3 आ जाएगा, एक एक्स बाहर निकाल दिया तो बाकी पीछे एक्स क्यूब रह गया, और ये तो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आप लोग देख लें कि हमारे पास x की वैल्यू कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी पुट कर दें तो 2 - 3 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो फिर भी माइनस रहेगा, माइनस आएगा ना, इसका मतलब है ये वाला जो है हमारे पास सीरीज, ये वाला जो टर्म है वो <0 है। तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉन इंक्रीजिंग, क्या हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो गई है, तो इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इंटेग्रल टेस्ट के लिए हमने इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेके ∞ तक एफ ओफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास 1 से लेके ∞ तक एफ ओफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, और वो हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर -x³, इसका डेरिवेटिव -3 x² है। तो हम ऐसा करते हैं, -3 से इसको डिवाइड कर देते हैं और -3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है बच्चों, तो अब देखो इस चीज़ का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, तो हम सिंपल इस
इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और लिमिट कहाँ से लेके हैं, कहाँ तक है, 1/1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/3 ई रेज टू पावर एक्स क्यूब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये माइनस 1/3, अब हम मैं लिमिट लगाने लगी हूँ तो 1/1 ये e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 - 1/3 मैंने कॉमन ले लिया और ये e की पावर 1, ठीक है। तो ये -1/3 e रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा, 1/∞ 0 -1/e, तो माइनस माइनस प्लस और ये 3e बन जाएगा। 1/3e हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3e एक नंबर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कन्वर्ज, ये वाली जो चीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, सो समेशन 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एन क्यूब इज कन्वर्जेंट बाय इंटेग्रल टेस्ट। तो अगर ये इंटेग्रल हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है ये सीरीज भी हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी किससे, बाय इंटेग्रल टेस्ट से, ठीक है बच्चों।